शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गुरुवार की देर रात भागलपुर पहुंचे। उनके भागलपुर पहुंचते ही शिक्षा विभाग व जिले के सभी विद्यालयों में हड़कंप मच गया। उन्होंने आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व विभाग के अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक की। इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और कई स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्हें डाइट और सीटी का भी निरीक्षण किया। वहां बीपीएससी से नियुक्त हुए शिक्षकों का आवासन प्रशिक्षण चल रहा है। उसके बाद वो शहर के कुछ स्कूलों के अलावा नाथनगर, सन्हला, शाहकुंड सहित अन्य प्रखंडों के स्कूलों का भी जायजा लिया। के पाठक के पुराने की चर्चा दो दिनों से चल रही थी, जिसको लेकर सभी विद्यालय के प्रभारी ने अपने विद्यालय को साफ, स्वच्छ और रंग रोगन से तैयार कर रखा है। साथ ही कागजी प्रक्रिया को ये मजबूत कर रखी है। वहीं अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि बीपीएससी के तहत चयनित शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। शिक्षकों से कहा कि आप अपने विद्यालय आवंटन के 15 किलोमीटर के अंदर रहे। साथ ही कहा कि अगर आप गाँव में पढ़ाई नहीं करा सकते तो दूसरा आवंटन भी शिक्षकों की प्रारंभ होने वाली है। आपको मुख्य रूप से गाँव के विद्यालय को सुदृढ़ बनाना है और उसे मजबूत करना है। मैडम ये सफाई खाली मेरे आने से हुई है? होती है, स्वीपर ऊपर आते हैं। कितने स्वीपर रखे हैं आप? दो थोड़े कम है और बढ़ाइए। ठीक है, आपके यहाँ पैसे की कमी नहीं है? प्लीज आपको बताइए आपका इंटरनल रिसोर्स कितना है? सर अभी हमारे पास 40 लाख है और चुकी 75% दे दिया है। सर हमने 1 करोड़ 42 लाख 1 करोड़ 80 लाख तो वो भी तो यही था का है। उसको वहाँ पे असेंबली टेंडर होगा, काम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्वीपर और बढ़ाइए। ठीक है, सफाई वहाँ पे महोदय भी हैं भागलपुर के। मैंने इनको भी रिक्वेस्ट किया है कि बीच बीच में आके आप लोगों से मिलते रहेंगे। और डीडीसी साहब भी है यहाँ पे। ये सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी है, ये प्राइमरी स्कूल हम लोगों को बांका में मिल गया। बाहर से, राज्य के बाहर से कोई है? कहाँ कहाँ से? यूपी से। यूपी से कहाँ से? यूपी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर और कहाँ कहाँ से? लखनऊ, गोरखपुर, हमीरपुर, कन्नौज, पूरा आ गया है। चलिए तो बिहार आके कैसा लग रहा है यूपी वालों? बहुत अच्छा। चलिए वेरी गुड। अब आप लोगों की ट्रेनिंग यहाँ चल रही है, करीब 14 घंटे होगा। सुबह 5:30 बजे जगा देते हैं लोग और 7:30 तक करते हैं, तो थकान हो जाती होगी। आपका बीपीएससी से क्वालिफाइड पूरी जनता आप लोगों को बड़ी आशा से देख रही है। बच्चे को पढ़ा के घंटी बंद करके, दरवाजा बंद करके स्कूल का भाग आना टीचर को शोभा नहीं। भले ही आप 4 बजे 5 बजे तक खत्म करें, लेकिन आपने बच्चों को पढ़ाना है, नौकरी नहीं करनी। देखिए बड़ा नोबल प्रोफेशन है। अभी डीएम साहब से भी बात हो रही थी, जिलाधिकारी महोदय आप सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं सुपौल, और आज भी वो याद करते हैं और हम सब याद करते हैं। जो हमारे अच्छे टीचर थे हमको आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी समाज में बड़ी इज्जत है। अगर आप ठीक से पढ़ाएंगे ना गाँव के बच्चों को, तो गाँव की जनता बड़ी इज्जत करेगी, समझे आप? तो ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें बड़ा सम्मान मिलता है, तो इसलिए आप मेहनत करेंगे तभी होगा। आपको बहुत घर जाके भी आपको बहुत काम करना है, जैसे आपको अगले दिन क्या पढ़ाना है उसका लेसन प्लान तैयार करना है। आपने एग्जाम लिया होगा मासिक परीक्षा, उसकी कॉपियां चेक करनी होंगी। होमवर्क लिया होगा, होमवर्क देखना होगा। वीकली टेस्ट हमने निकाल दिया है, वीकली टेस्ट लेना होगा। और कमजोर बच्चा है तो उसको समझाना है कि भाई तुमने गलतियां कहाँ की। ठीक है, मिशन दक्ष के बारी 9वीं में हमारे बच्चे पहुंच गए हैं, एक वर्ड नहीं पढ़ सकता है, वो ड्रॉप आउट होगा 10th में। हमने उसको धोखा दिया, उसका कोई कसूर नहीं था। उसका पिता मजदूर था, नहीं पढ़ा, माँ भी मजदूर थी, नहीं पढ़ी। हमने कहा अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेज, हमने उसको नहीं पढ़ाया। We have let him down. अब नहीं होना चाहिए। मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा, अब 8वीं में आ गया, 9वीं में आ गया, एक अक्षर नहीं पढ़ पा रहा तो क्या बनेगा? मित्र तो बनेगा नहीं, है ना? मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा तो हमारी आपकी क्या जरूरत? तो ये ध्यान रखिए, बड़ी उम्मीदें जनता को और सरकार को। एक एक बच्चे को ढूंढिए, उसकी एक एक कमियां निकालिए और उसको दूर कीजिए। डांटना मारना ये परंपरा बंद हो चुकी सैकड़ों साल तक। डांटने से कोई समस्या नहीं निकलती। कॉपी चेक करके हर एक बच्चे को किसी को 10 में से 10 दे देना, 10 में से 2 देना, टीचर का काम यहाँ खत्म नहीं होता है, यहाँ से शुरू होता है।
कि जिसको 10 में से 2 नंबर मिले हैं तो जो बाकी 8 सवाल उसने जो गलत किया है उसको बुलाइए आज क्लास के बाहर। बेटा तुम रुकोगे, हम तुम्हें बैठा के समझाएंगे एक के सवाल में क्या क्या गलती थी, समझ गए? इसीलिए कह रहे हैं 14 घंटे यहाँ आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये जहां पे आप इस तरह कर रहे हैं, करेंगे, पढ़ाएंगे ना, वहां पे जनता आपको बड़ा सम्मान देगी और वो टीचर और बच्चे दोनों आपको बच्चे और उसके अभिभावक जीवन भर आपको याद रखेंगे कि हाँ हमारे टीचर थे। कल को आपका पढ़ा हुआ बच्चा कलेक्टर बनेगा तो आप ही को याद करेगा, जैसे डीएम साहब याद करते हैं टीचर से। तो ये ध्यान रखिए, बड़ा नोबल प्रोफेशन है। और बाकी तो हम बोल चुके हैं, सबको विद्यालय तो मिल ही गया होगा आप लोगों को, विद्यालय देख लिया है, कैसा लगा? अच्छा कैसे लगा? गांव में है, अच्छा लगा। तो गांव में रहोगे? कितनों ने गांव में विद्यालय के आसपास घर ले लिया है? ले लिया है? ठीक, नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। मेरा उम्मीद है कि 15 किलोमीटर अधिकतम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2-3 किलोमीटर के अंदर ही रहे, ठीक है? क्योंकि 15 किलोमीटर एक अपर लिमिट है, तो इसका ये मतलब नहीं आप कि ACS ने कह दिया तो 15 ही किलोमीटर का रहना, नहीं, आप 2-3 किलोमीटर के अंदर रहिए, ज़्यादा रहता। और गांव वाले खुद घर देंगे आपको अगर आप टीचर बतौर टीचर, वहाँ के मुखिया जी आपकी मदद करेंगे, ग्रामीण जनता मदद करेगी, वो तो सम्मान समझते हैं कि हमारे विद्यालय के टीचर हमारे घरों में हमारे रहें, समझ रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखिएगा, तो गाँव में रहिएगा और तो पढ़ा पाएंगे, ठीक? अगर गाँव में नहीं रह सकते हैं तो आप गलत जगह आ गए, ठीक? आप लोगों की सबकी पोस्टिंग गांव में हुई है ना, किसी को गलती से शहर का विद्यालय तो नहीं मिल गया? हम लोग शहर में तो तरह तरह के एवेन्यूज है, बच्चों को पढ़ने की योगा दोनों होता है। मेरे शाम को कल्चरल एक्टिविटी भी कुछ कराते हैं आप लोग, ठीक, कभी कभी, ठीक। और मैंने कहा था कि मोटर ड्राइविंग का भी यहाँ श्री गुरु सेवा समिति के बैनर तले भागलपुर की गौशाला में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन श्रद्धालुओं को सुनाया जा रहा है, जिसको सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ सुनने के लिए उमड़ी हुई है। जया किशोरी ने कल देर शाम तक प्रवचन में गयासुर, भक्त प्रहलाद व भरत के किस्से बताए, साथ ही लोगों को जीवन जीने का सार भी बताया। इसके साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक भजनों को गाया, जिससे प्रसाद में बैठे दर्शक झूम उठे। कार्यक्रम के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे, उन्होंने जया किशोरी का स्वागत किया और श्रीमद् भागवत की आरती की। उन्होंने कहा कि भागलपुर अध्यात्म नगरी है और जया किशोरी को सुनकर उनका स्वागत कर खुद को कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं। आगे निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि 2024 नीतीश कुमार के लिए अंतिम साल है, उनको पूरा होने में 1 साल बाकी है। इस साल में वो अधिक से अधिक काम करे और नया बिहार बनावे। आपको बता दें, गौशाला में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन है। हर दिन कथावाचिका जया किशोरी के प्रवचन व भजनों को श्रोता सुन रहे हैं। सौभाग्य है कि जया किशोरी जी यहाँ आई, और जब भी इस तरह का कोई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है तो पूरा समाज इकट्ठा होता है और समाज प्रवचनकर्ता से जो है कुछ अच्छी बातें सीखता है, और वो समाज को बनाने के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए जो है वही प्रेरणा जो है काम करता है। हम कृतज्ञ हैं कि जया किशोरी जी का यहाँ प्रवचन है और हम आज यहाँ आए। ऐसा है कि मैंने बहुत पहले कहा है कि 2024 जो है माननीय नीतीश कुमार जी का जो है अंतिम साल, तो उस अंतिम साल में अब 1 महीना बचा हुआ है, तो उनको जो कुछ भी करना है वो करने दीजिए, एक नया बिहार बनेगा, नया सवेरा होगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की सनहौला थाना क्षेत्र के भुड़िया पुल के नीचे एक बगीचे में पेड़ पर लटका हुआ युवक का शव मिला।
पेड़ पर शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। देखते देखते भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। मृतक युवक की पहचान श्री चक्र निवासी शंभु मंडल के पुत्र 36 वर्षीय गौतम कुमार के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दिया। बता दें, जिस बगीचे के पेड़ से युवक का शव मिला उससे बगीचे से महज 500 मीटर की दूरी पर थाना है और घटना स्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर मृतक का घर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक 5 दिनों से लापता था, जिसकी तलाश परिजनों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन कोई अता पता नहीं चला था। गुरुवार की देर शाम स्थानीय लोगों ने पेड़ से लटकता उसका शव देखा, जिसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पेड़ से शव को उतारा और शव की तलाशी ली। जब पॉकेट की तलाशी ली गई तो पॉकेट से आधार कार्ड बरामद हुआ। आधार कार्ड के द्वारा मृतक की पहचान की गई। मृतक के परिजनों को इसकी जानकारी दी। सूचना प्राप्त होते ही मृतक के परिजन थाने पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि बीते 5 दिनों से गौतम लापता था। हम लोगों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई अता पता नहीं चला। वहीं सनहौला थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद हम लोग घटना स्थल पर पहुंचे और पेड़ से युवक का शव को उतारा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 5 दिन पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। शव 25 फीट ऊपर पेड़ से लटक रहा था। मृतक के युवक के पॉकेट से उनका आधार कार्ड बरामद किया गया है, जिससे उसकी पहचान हुई और परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। वहीं परिजनों ने शव का शिनाख्त कर लिया है। फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आत्महत्या है या हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। भागलपुर के बिहपुर से भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने प्रेस वार्ता कर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहपुर से बीरपुर पथ बनने का क्रेडिट लेने वाले सभी सांसद विधायक चुनाव में हार जाते हैं, चाहे वो बुलो मंडल हो, शाहनवाज हुसैन हो या फिर मैं खुद। साथ में उन्होंने कहा कि अब उसका क्रेडिट वर्तमान सांसद अजय मंडल ले रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अगले चुनाव में हारेंगे, उन्हें हार से कोई बचा नहीं सकता। इस पर जदयू के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने काफी अपशब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी मानसिकता बताती है कि वो अत्यंत पिछड़ी जाति से कितनी घृणा करते हैं, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को सोचना चाहिए, कोई भी सांसद या विधायक अगर जीतता है तो उसे जनता चुनती है, ना कि रोड और नाले की योजना, और भारी बहुमत से 2025 में भी सांसद अजय मंडल चुनाव जीतेंगे। पूर से बीरपुर एक NH 106 बना है, बनना शुरू हुआ है, सांसद शाहनवाज जी के प्रयास से बना था, लेकिन इन्होंने क्रेडिट लिया, खुद ये अपने भी बोलते हैं, तो ये चुनाव हार गए, हमने लिया हम हारे, और बुलो मंडल लिया वो हारे। बता दिए बीरपुर से बीरपुर NH 106 का ये हम ही बनवा रहे हैं, फिर हम माइक छीन के हम बोले कि भाई ये तो शाहनवाज जी किए हैं, आप भी जाने वाले हैं क्या, आपको भी अब जाना है तो ये बोले, और आपका कार्यकर्ता जो है इतना भी तहजीब ने, हम ही लोग आपको जिताए हैं, मोदी जी के सहयोग से आप चुनाव जीते हैं, और एक फोटो भी इन्होंने देखा है। माननीय विधायक इंजीनियर शैलेंद्र साहब जो बीरपुर से हैं, उन्होंने कल बयानबाजी किया है, उन्हीं के बयान का निंदा करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जो भी 106 सड़क का क्रेडिट लेना चाहता है निर्माण का, वो चुनाव हार जाता है। मैं उनको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चुनाव जनता जिताती है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है, और जनता के सहयोग और आशीर्वाद से माननीय सांसद पिछले बार भी रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीते थे, और इस बार भी और अधिक से अधिक वोट से चुनाव जीत के दिल्ली जाएंगे। रही उनका कहने का बात, तो 2025 में चुनाव होगा, उनको जनता जवाब दे देगी कि जनता चुनाव जिताएगी या फिर सड़क और नाला चुनाव जिताएगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो अपने भाषा में प्रयोग किया धज्जिया उड़ा देने का या तिखिया टिप्पणी करने की, तो इस तरह की बातों को मैं निंदा भी करता हूँ और उन्हें आगाह भी करता हूँ कि इस तरह से जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बात करते हैं, चूंकि अति पिछड़ा का बेटा आज यहाँ सांसद है, पूर्व में भी माननीय शैलेश्वर बुलो मंडल जी सांसद थे, तो जब अति पिछड़ा का बेटा अल्पसंख्यक अनुसूचित जनजाति के लोग जब सत्ता पे काबिज होने लगें, अपने भागीदारी अपने हिस्सेदारी संख्या के बल पे लेने लगें, उनके मन में बेचैनी हो गई, पेट में कुलबुलाहट हो गई, उन लोगों का अनाज पचना बंद हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और जब से यह आरक्षण यहाँ जो आरक्षण का दायरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है, प्रस्ताव पारित करके जनगणना कराया है, तो पूरे भारतीय जनता पार्टी का बिहार में पूरा बेचैनी बढ़ गई है और सब लोग परेशान हैं। आगामी 2024 लोकसभा के चुनाव के लिए वो लोग काफ़ी परेशान हैं, उन लोगों को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, और आज भी भाजपा के लोगों के लिए सांसद यहाँ के माननीय शाहनवाज जी हैं। आप उनका देखिए कल का बयान, वो माननीय शाहनवाज जी को सांसद करके संबोधित कर रहे हैं, तो वो तो अति पिछड़ा को चाहते ही नहीं है, देखना ही नहीं चाहते हैं,
और ये तमाम बातें उनके दिमाग में चलते रहता है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, एल्को कंपनी के द्वारा दिव्यांगों के लिए यहाँ उपकरण बांटने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे माननीय सांसद अजय मंडल जी का भी सहयोग और भूमिका है। अब वो लोग बेचैन है फोटो के लिए, तो एल्को कंपनी को महसूस हो गया आगामी 2024 के चुनाव में दिल्ली के सत्ता से बाहर हो रहे हैं मोदी जी, इसलिए उनका फोटो तस्वीर नहीं लगा रहे हैं। तो एल्को कंपनी और मोदी जी जाने, उसमें हमारी, हमारी पार्टी की, हमारे सांसद की कोई भूमिका है नहीं। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित डीआरडीए भवन से विकास भारत के तहत जागरूकता रथ को निकाला गया। इस जागरूकता रथ को डीडीसी अनुराग कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संबंध में डीडीसी अनुराग कुमार ने बताया कि भारत विकास जागरूकता रथ के तहत दो गाड़ियों को जिले के 238 पंचायत में भेजा जा रहा है, जहां जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे और इसका लाभ जनता ले पाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह बताया कि अब प्रतिदिन दो पंचायत में जाकर जागरूकता रथ लोगों के बीच सरकारी योजनाओं के लाभ को लेने के लिए अवेयरनेस का काम करेगी। विकास भारत संकल्प यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत हर पंचायत में जो दो वैन है वो एक दिन में दो पंचायत को कवर करेगी और जितनी भी सरकारी योजना है उसके बारे में लोगों को जागरूक करेगी, बताएंगी और तरह तरह के कंपटीशन भी होंगे, जैसे क्विज कंपटीशन वगैरह। तो एक बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, इसी के तहत अभी। एड्स रहित देश बनाने को लेकर विश्व एड्स दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत सुंदरवती महिला महाविद्यालय बीएड कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली, जो कॉलेज से निकलकर सहभ्रमण की और लोगों को एड्स रोग से बचने के उपाय बताए। गौरतलब है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और यह 1988 से लगातार मनाया जा रहा है। रैली में निकली छात्राओं ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि रिश्तों के प्रति ईमानदार रहे, एचआईवी एड्स के खिलाफ हमें मिलजुल कर लड़ना चाहिए कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है, इसे खत्म करना चाहिए। देश के बचाव के लिए हमें सुरक्षित संबंध का संकल्प लेना चाहिए और कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें एड्स का किसी तरह का खतरा ना हो। ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि इसके प्रति लोगों में जागरूक हो। मेरे कॉलेज के द्वारा उनका प्रमुख उद्देश्य ही यही होता है कि हम समाज से जुड़ी हुई हर समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करें। हमारा प्राचार्य महोदय, हमारे बीएड डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक शिक्षिकाएं का हमेशा से हम लोगों के प्रति समर्थन रहा कि आप भविष्य में एक टीचर, एक शिक्षक और शिक्षक का दायित्व तो सबसे बड़ा दायित्व है कि आप समाज के बच्चों के प्रति जागरूक करें। यदि आप ही ये सब क्रिया कार्य नहीं करेंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो समाज में ऐसे भी लोग इन सब चीज़ों के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। आज लोग गरीबी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इतनी समस्याएं, राजनीति की हर समस्या की बात करें, बस इतनी बेसिक नीड जो एड्स, जिन आमतौर पर हर मानव की ये नीड है और ये हर मानव जो सामाजिक प्राणी है, ये एक प्राकृतिक नेचर है, क्योंकि इस नेचर के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता, क्यों इतना स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है, क्यों इतने लोगों के प्रति मतलब इससे बात करने में लोग एकदम पीछे हटते हैं, बोलते हैं दूसरे टॉपिक पे बात कीजिए। हमारे शिक्षकों का कंसर्न ही यही है और हम आगे भावी टीचर हैं। हमारे बीए डिपार्टमेंट का हर मेन मकसद ही यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज के प्रति सर्व करें। इसके लिए हमारे टीचर, शिक्षकों द्वारा, छात्राओं, मेरी सहेलियों लोगों द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया। उन्होंने कई पिछले 1 मंथ से ये दिवस के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसका हमारा मेन उद्देश्य है कि कम से कम हमारे से जितना हो सके, हम NSS के थ्रू हमारा कॉलेज देने का कोशिश करता है कि हम उसके बारे में अवेयर कराए। अगर NCC की भी बात करें तो है, कुलपति महोदय भी वो बहुत समर्थन दे रहे हैं, हमारे शिक्षा डिपार्टमेंट का हर कोई सहयोग कर रहा है, इनफैक्ट प्रशासन भी हमारा साथ दे रही है। हमें प्रशासन की तरफ से सुझाव आए, हमने अपना प्रस्ताव रखा कि हमें रोड में जाम नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने पूरा समर्थन किया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर हमारा मेन मकसद यही है कि हर कोई इस बारे में जाने, बेफिक्र होकर लोग बात करें ताकि समाज में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो सके, और यही उद्देश्य के साथ।